नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कैफ्री की कटिंग करेंगे और ये कैफ्री की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कैफ्री की कटिंग करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में इसकी स्टिचिंग करेंगे, मतलब सिलाई करेंगे, तो पूरी सीरीज देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसकी नाप जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो अब जो है हम सबसे पहले इसको कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर साइड का हम कपड़ा जो है वो अपना सीधा कर लेते हैं और इसमें बेल्ट जो है वो अलग से नहीं लगेगी, बेल्ट जो है इसी में हम रखेंगे। तो लास्टिक डालने के लिए ऊपर हम 2 इंच छोड़ देंगे क्योंकि 1.25 इंच की लास्टिक होगी, बाकी हमारा मार्जिन हो गया। तो जैसा कि इसकी लंबाई जो है वो है 28, तो जितनी लंबाई हम उतनी ही रख देंगे, बाकी नीचे फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच छोड़ देंगे। उसके बाद इसकी लाइनिंग कर लेंगे। अब देखिए, इसकी जो हिप है वो है 39, 39 का चौथा भाग अगर रखेंगे तो 10.25 बनी है इसकी लटक, तो वो बनी है, मतलब बेल्ट निकाल के जो हम रखते हैं उस हिसाब से होती है। लेकिन तो देखिए, इसकी लटक हम रखेंगे 11 इंच क्योंकि बेल्ट इसी में है, बेल्ट अलग से होती तो हम कम करते। अब यहाँ पर एक निशान लगाना है और जो इसकी थाई है यानी कि जांग, फिक्स जो जांग है वो 22 है और इसमें लूजिंग जो है वो लगभग 3.5 इंच की है, तो यानी कि 25.5 है। तो हम यहाँ पर 12.5 रख देते हैं और उसके बाद जो है 1.5 इंच ये अंदर को, क्योंकि जो है कैफरी है, कैफरी थोड़ी सी लूज रहती है, तो इसलिए आप लूजिंग अपने हिसाब से रख सकते हैं, मतलब जितनी फिक्स हो उससे 2 इंच जो है लूज पैंट रहती है, यानी कि अगर किसी की 22 है तो 24, 24.5 आप रख सकते हैं पैंट में, लेकिन कैफरी है तो थोड़ी सी और लूज रहती है तो 1 इंच ही और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम नापेंगे 11.25, इधर साइड में भी 11 रख देते हैं। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा डाउन करेंगे हम 1.25 इंच और बैक को उठाएंगे क्योंकि ये बड़ी कैफरी है तो इसमें हमको थोड़ा सा डाउन करना होता है, उतना ही इधर डाउन कर देंगे। इधर साइड में निशान लगाएंगे। यहाँ से लगभग हमने 1 इंच इसको कम करा है और उसके बाद जो मोहरी है इसकी वो 9 × 2 = 18 है, यानी कि 18 है उसकी, आधे रखना है हमको 9। और यहाँ से फंटी लगा देते हैं। यहाँ से बिल्कुल सीधी अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये थोड़ी डिजाइन में है, यानी कि इसकी पाकटें जो हैं वो थोड़ी सी डिजाइन में है, तो जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हम आपको बताएंगे किस तरीके की पाकटें लगाना है, क्योंकि इसमें चैन वाली भी होगी और सादी भी होगी, दो तरीके की पाकटें होंगी और हो सकता है यहाँ पर जो है कार्गो वाली भी लगाएँ। तो ये हमारा सामने कट गया, अब हम इसकी बैक कटिंग करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर साइड में ये कपड़ा कम है, यानी कि इसकी अरत जो कपड़े की थी वो कम थी, तो यहाँ पर जो है हम गिदरी में यहाँ पर जोड़ लगाएंगे। तो हम इसको इस तरीके से रख देते हैं। इससे आधा इंच लाइनिंग करेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच और इधर साइड में रखेंगे 1.5 इंच। उसके बाद यहाँ से फंटी लगा देंगे। ऊपर साइड में यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाएंगे। अब बैक साइड में 2 इंच लूजिंग छोड़ेंगे अलग से। तो ये हमने छोड़ दी, बाकी हमको सीधी सीधी यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो देखिए, अगर आपको थैला वाले निशान लगाने हैं पॉकेट के, तो यहाँ से क्योंकि 1.5 इंच की तो हमारी इलास्टिक पड़ जाएगी, और 1.5 इंच और तो 3 इंच आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं, उसके नीचे 6.25 इंच का बना सकते हैं। ओके, ये इस तरीके से। बाकी हम इसका जो बाकी इसमें चैन वगैरह की हम पॉकेटें लगाएंगे तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।